फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं DIY क्ले राखी। पहले हम क्ले के दोनों कंपोनेंट्स को बराबर से मिक्स कर देंगे। ड्राई हो जाने के बाद हम उसको पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने इसको पेंट करने के लिए एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। इसके ऊपर मैं स्वस्तिक का डिजाइन बनाने वाली हूँ, तो मैंने व्हाइट कलर से उसके ऊपर स्वस्तिक बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्वस्तिक के बन जाने के बाद मैं इसके आसपास कुछ छोटी मोटी डिटेल्स भी ऐड कर देती हूँ। वाली राखी पूरी तरह से पेंट होकर रेडी हो गई है, तो अब मैं इसके ऊपर थ्रेड भी लगा देती हूँ। नेक्स्ट वाली राखी मैं इमोजी वाली बनाने वाली हूँ। मैंने राउंड शेप में क्ले को मोल्ड करके रख लिया है और फिर उसको मैंने येलो कलर से पेंट भी कर दिया। येलो कलर के ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर मैं आइस और बाकी की डिटेल्स भी एड कर देती हूँ, तो मेरी स्माइली वाली राखी भी बनके ऑलमोस्ट रेडी होने जा रही है। ओह, कितनी क्यूट लग रही है ना ये स्माइली। तो अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर का थ्रेड भी लगा देती हूँ। मुझे ब्लैक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वाली राखी हम बनाएंगे DIY नेम राखी। इस राखी में मैं अपने ब्रदर का नेम लिखने वाली हूँ। मैंने क्ले को हार्ट शेप में मोल्ड करके रख दिया है और फिर मैं उसे थोड़े देर के लिए सेट करने के लिए भी रख देती हूँ। क्ले का मोल्ड ऑलमोस्ट सेट हो गया है, अब मैं इसको पेंट करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं हार्ट को रेड कलर से ही पेंट कर देती हूँ। मेरे रियल ब्रदर का नेम है चिराग, तो मैं इस पर चिराग ही लिख देती हूँ। मैंने पहली बार नेम राखी बनाई है। फ्रेंड्स, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी ये DIY नेम राखी कैसी लगी। मेरी ये नेम राखी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसके आसपास कुछ डिटेल्स भी ऐड कर देती हूँ, तो ये राखी भी ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर थ्रेड भी लगा देती हूँ।